नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें। एक नई बीमारी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, ये एक नई मुसीबत है, यानी कि इससे कई लोगों की मौत भी हुई है। इस बीमारी में दिमाग समेत शरीर के कई अंगों के खराब होने का खतरा है। इसको लेकर मुंबई और अहमदाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीमारी के गंभीर खतरों को देखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हुए लोगों में अब म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि राजस्थान में प्रशासन की सख्ती, नाइट कर्फ्यू और आमजन के सहयोग के कारण कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसके कारण आमजन की कोरोना को लेकर सतर्कता कम हुई है। अब सर्दी बढ़ने के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, इसलिए सभी से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 से ठीक हुए लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का खतरा बढ़ा है, जिससे कई लोगों की मौत भी हुई है। इस बीमारी में दिमाग समेत शरीर के कई अंगों के खराब होने का खतरा है। मुंबई और अहमदाबाद में इस बीमारी का अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना को लेकर आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है। यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर में बढ़े मामलों के कारण सख्त लॉकडाउन लग गया है। इन देशों से सबक लेकर हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बात यह है कि राजस्थान में गत एक सप्ताह से कोरोना के नए केसेस की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां प्रदेश में कोरोना के केसेस की प्रतिदिन की संख्या 3000 से ऊपर पहुंच गई थी, वहीं अब यह 1100 के करीब आ गई है। वहीं मौतों की संख्या भी कम हो गई है। मंगलवार को प्रदेश भर में एक दिन में 1045 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य भर में अब तक 2,93,584 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 2,568 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। कुल केसेस में 2,75,506 केसेस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। इन्हें उपचार के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।